एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। मैं नीरज शुक्ला आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कि एसएससी सीजीएल के एग्जाम में आए हुए हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट कॉस 90 माइनस थीटा दिया है तो हमें कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2012 में आया हुआ है। तो आइए दोस्तों इसको कैसे करेंगे देखते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू दिया है अंडर रूट 2 कॉस 90 माइनस थीटा दिया हुआ है। तो हमें पता है कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है। हम इसको लिख देंगे साइन थीटा। अब कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू साइन थीटा यहां रख देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 2 साइन थीटा आ जाएगा यहाँ पे। अब इस साइन थीटा को उधर ले जाएंगे तो कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहां से साइन थीटा कॉमन आ रहा है तो साइन थीटा कॉमन ले लेंगे। बाकी यहां कितना बचेगा, अंडर रूट 2 माइनस 1 बचेगा। अब पूरे इक्वेशन में साइन थीटा डिवाइड कर दीजिए तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू आ गया रूट 2 माइनस 1। अब कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कितना होता है, कॉट थीटा होता है। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस 1 आ रहा है, यही हमें निकालना था। तो यहां से ऑप्शन डी करेक्ट है। यदि sec थीटा माइनस cosec थीटा इज इक्वल टू 0 हो तो sec थीटा प्लस cosec थीटा का मान निकालना है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2012 में आया हुआ है, देखते हैं कैसे करेंगे इसको। दिया हुआ है sec थीटा माइनस cosec थीटा इज इक्वल टू 0, तो हम इसको cosec थीटा को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा sec थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा दिया हुआ है। अब cosec थीटा कितना होता है, cosec थीटा को हम लिख सकते हैं sec 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। इस वैल्यू को यहां रख देंगे तो sec थीटा इज इक्वल टू sec 90 माइनस थीटा आ गया। तो थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा कर देंगे तो 2 थीटा इज इक्वल टू आ गया 90। यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 डिग्री आ रही है। अब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आ गई, हमें निकालना है sec थीटा प्लस cosec थीटा की वैल्यू निकालनी है। लेकिन थीटा की वैल्यू 90 है तो रख देंगे वैल्यू को। तो sec 45 डिग्री प्लस cosec 45 डिग्री। अब sec 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट 2 होती है। cosec 45 डिग्री की वैल्यू होती है अंडर रूट 2। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा आंसर 2√2। तो आंसर आ रहा है 2√2, ऑप्शन डी करेक्ट है। पी साइन थीटा इज इक्वल टू √3 दिया है और पी कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 दिया है तो पी का मान निकालना है हमें। तो हम क्या करेंगे, पी साइन थीटा इज इक्वल टू √3 दिया है तो इसको हम लिख लेंगे पहले और इसको स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 आ गया। अब दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है पी कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, इसको लिख लेंगे पी कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। अब स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ तो पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया। अब इसको अगर हम इक्वेशन 1 ले लें और इसको इक्वेशन 2 ले लें तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 प्लस 1 हो जाएगा 4। अब यहां से पी स्क्वायर कॉमन ले लें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 आ रहा है। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो पी स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू 4। अब यहां पे यहां से क्या मिलेगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मिल गया तो पी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2। अब यहां ऑप्शन में दिया हुआ है 2 तो ऑप्शन डी सही होगा। 4 यदि साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस 3 एक्स प्लस वाई हो तो
टेन टू एक्स प्लस वाई का मान क्या होगा ये निकालना है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2012 में आया हुआ है, तो आइए दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम एक्स प्लस वाई को हम थीटा ले लें, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थ्री एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, कॉस थ्री थीटा हो जाएगा। तो यहां से साइन थीटा इज इक्वल टू इसको लिख देंगे साइन 90 माइनस थ्री थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90 माइनस थ्री थीटा आ गया, 90 माइनस थ्री थीटा आ गया। अब थ्री थीटा को इधर ले जाएंगे तो ये फोर थीटा इज इक्वल टू 90 आ रहा है, यहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई 90/4। अब हमें निकालना है टेन टू एक्स प्लस वाई, यानी कि टेन टू एक्स प्लस वाई, अब यहाँ x प्लस वाई की वैल्यू रख देंगे तो टेन टू थीटा हो गई। थीटा की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 90/4 रख देंगे उसको, 2 × 90/4 रख देंगे तो ये आ जाएगा टेन 45 डिग्री आ रहा है, 45 डिग्री आ रहा है, टेन 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो टेन 2x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 1। यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, 1 प्लस sec 20 डिग्री प्लस cot 70 डिग्री इंटू 1 माइनस cosec 20 डिग्री tan 70 डिग्री की वैल्यू हमें निकालनी है। सबसे पहली बात हमें cot 70 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं इसको, 90 माइनस 70 कर देंगे तो ये आ जाएगा tan 20 डिग्री आ जाएगा। इसी प्रकार से tan 70 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan 70 को हम चेंज कर लेते हैं cot 90 माइनस थीटा, यानी cot 90 माइनस 70 कर देंगे तो ये आ जाएगा cot 20 डिग्री आ जाएगा। अब इन वैल्यूज को यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे तो आ जाएगा 1 प्लस sec 20 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री एक ब्रैकेट में आ गया, दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 माइनस cosec 20 डिग्री प्लस cot 20 डिग्री आ गया। अब इसको हमको साइन और कॉस में चेंज कर लेना है, तो 1 प्लस sec थीटा कितना होता है, 1 अपॉन cos थीटा होता है, तो ये cos 20 हो जाएगा। फिर tan 20 डिग्री है तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 20 डिग्री अपॉन cos 20 डिग्री लिख सकते हैं, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। नेक्स्ट ब्रैकेट में cosec थीटा क्या होता है, 1 अपॉन sin थीटा होता है, तो ये 1 अपॉन sin 20 डिग्री हो जाएगा। इसी तरीके से cot थीटा क्या होता है, कॉस अपॉन साइन होता है, तो कॉस 20 डिग्री अपॉन साइन 20 डिग्री हो गया। अब यहां एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस 20 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री प्लस 1 अपॉन कॉस 20 डिग्री आ गया। इसी प्रकार से दूसरे ब्रैकेट में एलसीएम लेने पे क्या आएगा, कॉस 20 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री माइनस 1 आ गया अपॉन साइन 20 डिग्री आ गया। अब यहां पे हम ध्यान दें तो क्या लिखा हुआ है, अगर कॉस 20 प्लस साइन 20 को ए ले लें और तो ये बनेगा ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला बन रहा है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो कॉस 20 प्लस साइन 20 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन साइन 20 कॉस 20। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, दैट मीन्स साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस 2 साइन 20 डिग्री कॉस 20 डिग्री माइनस 1 अपॉन साइन 20 डिग्री कॉस 20 डिग्री। अब देखिए दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो इसको हम लिख देंगे 1 प्लस 2 साइन 20 डिग्री कॉस 20 डिग्री माइनस 1 अपॉन साइन 20 डिग्री कॉस 20 डिग्री, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर बच जाएगा 2 साइन 20 डिग्री कॉस 20 डिग्री, नीचे बच जाएगा साइन 20 डिग्री कॉस 20 डिग्री, तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहां बचेगा 2। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसका आंसर है ऑप्शन बी। अल्फा 0 से पाई बाई 2 के बीच में दिया, यानी अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है,
तो और बोल रहा है 2 sin α + 15 cos² α इक्वल टू 7, तो cot थीटा का मान, cot अल्फा का मान निकालने के लिए कह रहा है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2012 में आया हुआ है, तो आइए देखिए इसको कैसे करते हैं। पहले 2 sin α + 15 cos² α इज इक्वल टू 7 दिया हुआ है। अब हमको पता है कॉस स्क्वायर अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 - sin² α लिख सकते हैं, तो 15 1 - sin² α इज इक्वल टू 7 हो गया। तो इसको अब एक्सपेंड कर देंगे, तो 2 sin α + 15 - 15 sin² α इज इक्वल टू 7 हो गया। तो अब हम इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 15 sin² α - 2 sin α - 8 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको अब फैक्टराइज करना है, सबसे पहले साइन अल्फा को ले लीजिए k, तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा, 15k² - 2k - 8 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करते हैं, तो 15k² - 12k + 10k - 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 3k कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 5k - 4, और यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 5k - 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम 3k + 2 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 5k - 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई, -2/3 एक वैल्यू आ गई, एंड दूसरी वैल्यू क्या आ गई, k की वैल्यू आ गई 4/5 आ गई। अब हमें k हमने माना किसको, साइन अल्फा को माना है, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू 2/3 एंड साइन अल्फा इज इक्वल टू 4/5 आ रहा है। लेकिन सिंस अल्फा इज इक्वल, अल्फा दिया है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव नहीं होता, तो ये वैल्यू को हम डिस्कार्ड कर देंगे, तो आ गया साइन अल्फा इज इक्वल टू 4/5 आ गया दोस्तों। अब हम यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल बना लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, इसको अल्फा ले लेंगे। साइन क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये आ जाएगा 3। अब कॉट अल्फा कितना होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो कॉट अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे, कॉट अल्फा आ जाएगा 3/4 आ जाएगा, तो ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 7, यदि साइन 2θ इज इक्वल टू 1/2 दिया है, तो कॉस 75 - θ की वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2012 में आया हुआ है, तो ये देखते हैं इसको कैसे करेंगे। दिया हुआ है साइन 2θ इज इक्वल टू 1/2। अब हमें पता है कि साइन कितने डिग्री की वैल्यू, 1/2 होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, तो साइन 2θ इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 2θ इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 15 डिग्री। इस थीटा की वैल्यू वहाँ पे रख देंगे, कॉस 75 - θ है, तो यहाँ थीटा की वैल्यू 15 डिग्री रख देंगे, 75 - 15 कर देंगे, तो ये आ जाएगा कॉस 60 डिग्री। अब कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, हमारा आंसर आएगा 1/2। इस तरह से ऑप्शन बी करेक्ट है। यदि साइन पी प्लस कोसेक पी इज इक्वल टू 2 दिया हो, तो पूछ रहा है साइन की पावर 7p प्लस कोसेक की पावर 7p का मान क्या होगा। तो सबसे पहले ले लीजिए इसको, साइन पी प्लस कोसेक पी इज इक्वल टू 2 ले लीजिए, और कोसेक को लिख दीजिए 1/sin में चेंज कर दीजिए, तो साइन पी प्लस 1/sin इज इक्वल टू 2 आ गया। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो साइन स्क्वायर पी प्लस 1 इज इक्वल टू 2 sin p हो गया, तो साइन स्क्वायर पी माइनस 2 sin p प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ पे दिख रहा है a² + b² - 2ab, तो ये फॉर्मूला बन गया, तो साइन पी माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गया, तो साइन पी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई।
तो यहां से इसको 1 को हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री, तो P की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। अब P की वैल्यू जब 90 डिग्री आ गई तो हमें निकालना है साइन की पावर 7P प्लस कोसेक की पावर 7P, तो यहाँ P की वैल्यू रख देंगे, तो साइन की पावर 7 90 डिग्री, कोसेक पावर 7 90 डिग्री। अब इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री की पावर 7 लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं कोसेक 90 डिग्री इसकी पावर 7 लिख सकते हैं। साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है तो 1 की पावर 7 हो जाएगा, और कोसेक 90 डिग्री की वैल्यू भी 1 होती है तो इसकी पावर भी 7 हो जाएगा। तो 1 की पावर एनीथिंग इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1, यहाँ भी 1, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 2, ऑप्शन डी सही है। यदि साइन थीटा साइन 45 प्लस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा की वैल्यू निकालनी है हमको, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2012 में आया हुआ है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहली बात, हमको पता है कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है, तो कॉस 45 माइनस थीटा कितना होगा, साइन 90 माइनस ब्रैकेट में 45 माइनस थीटा कर देंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 45 प्लस थीटा आ जाएगा, ये यानी कॉस 45 माइनस थीटा की वैल्यू आ रही है साइन 45 प्लस थीटा, तो इस वैल्यू को कॉस 45 माइनस थीटा की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो कितना हो जाएगा, साइन 45 प्लस थीटा माइनस साइन 45 प्लस थीटा, अब ये दोनों टर्म बराबर हैं तो आपस में कट जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 0, तो यहाँ से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यदि tan थीटा इज इक्वल टू a अपॉन b हो तो a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा अपॉन a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा का मान निकालना है, ये कितना होगा, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2012 में आया हुआ है, तो आइए सॉल्व करना शुरू करते हैं। दिया हुआ है a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा अपॉन a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा का मान हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें कॉस थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, तो a साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस b कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन a साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा माइनस b कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। अब कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 हो जाएगा, तो हम इसको फर्दर लिख देते हैं, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा, ए टेन थीटा प्लस बी अपॉन ए टेन थीटा माइनस बी आ जाएगा। अब टेन थीटा की वैल्यू दी है ए अपॉन बी, तो इस वैल्यू को हम रख देंगे, ए इंटू ए अपॉन बी प्लस बी ए इंटू ए अपॉन बी माइनस बी। अब हम इसको एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी, तो इस बी से इस बी को काट देंगे तो कितना बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे आ जाएगा, तो ये आंसर आ गया, ऑप्शन डी सही है। धन्यवाद दोस्तों।